नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आज के उपाय के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अस्त शनि किस राशि वाले को देगा सुख और किस राशि वाले को देगा दुख। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि शनि देव अस्त हो चुके हैं 7 जनवरी से। 7 जनवरी को शाम को 4:02 से शनिदेव अस्त हो गए हैं और ये अस्त रहेंगे 10 फरवरी 2021 को 1:32 तक। यानी 7 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक शनिदेव अस्त रहेंगे। तो इस पीरियड में किस राशि वाले को फ़ायदा हो सकता है और किस राशि वाले को नुकसान हो सकता है, ये बताएंगे। शनिदेव अस्त कब होते हैं कि जब शनिदेव के पास सूर्य देव घूमते घूमते आ जाते हैं। तो आप सबको पता है कि सूर्य देव जो है शनिदेव मकर राशि में है और सूर्य देव जो है मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो जब शनिदेव सूर्य के पास आ जाएंगे तो शनिदेव अस्त हो जाएंगे। सूर्य के पास जो भी ग्रह आते हैं तो सूर्य देव के प्रभाव की वजह से शनिदेव या कोई भी ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो शनिदेव अस्त हो चुके हैं 7 जनवरी 2021 से और ये 10 फरवरी 2021 तक अस्त रहेंगे। अब ये शनि का जो गोचर है ये कैसा रहेगा सूर्य के प्रभाव में आने की वजह से जो अस्त हो गए हैं। ज्योतिष के नज़रिए से देखा जाए तो जब शनिदेव सूर्य की 15 डिग्री के आसपास आ जाते हैं, मतलब शनि की डिग्री और सूर्य की डिग्री में यदि 15 डिग्री का अंतर बचता है तो 15 डिग्री के आसपास से शनिदेव अस्त हो जाते हैं। तो आपको सबको पता है कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। 14 जनवरी को सूर्यदेव मकर राशि में जाने वाले हैं और शनिदेव इस समय मकर राशि में विराजमान है। तो सूर्यदेव धनु राशि के लगभग आखिरी उसमें है और शनिदेव मकर राशि में है। तो जब 15 डिग्री के आसपास का अंतर बनता है तो शनिदेव अस्त हो जाते हैं। ये अस्त शनि का प्रभाव किस राशि के लिए कैसा होगा, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, जिन राशि वालों की ढैया चल रही है, जिन राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, उनको बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पहले से ही घबरा जाए, इसलिए हम शुरू से ही बता रहे हैं। आप घबराइएगा नहीं कि ढैया और 7.5 वाले लोग बिल्कुल डर जाए, बिल्कुल सही तरीके से बताते हैं। सबसे पहले मेष राशि वालों की बात कर लें, फिर उनके बारे में भी विस्तार से बताएंगे जिनकी शनि की ढैया और शनि की 7.5 चल रही है। मेष राशि वालों के लिए ये जो समय है 7 जनवरी 2021 से और 10 फरवरी 2021 के बीच का समय, जो शनि के अस्त होने का समय है, ये संकेत करता है कि आप अपने कार्य में किसी भी तरह का आलस्य मत करिएगा, मेहनत से काम करते रहिएगा। शनि देव अस्त जरूर हैं लेकिन आपको रिजल्ट देंगे आपके मेहनत का। तो मेष राशि वाले यदि मेहनत करेंगे तो इस पीरियड में भी उन्हें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो सकते हैं, देरी से मिल सकते हैं, इसलिए घबराइएगा नहीं, धैर्य मत खोइए और कोई आपको बड़ी परेशानी नहीं आने वाली है। इस दौरान उधार देने से बचिएगा, उधार लेन देन से बचिएगा, मेष राशि वालों के लिए विशेष सलाह। और मेष राशि के ऐसे लोग जिनकी कुंडली में शनिदेव 7th हाउस से कनेक्टेड हैं, 7th हाउस से संबंध बना रहे हैं, ऐसे लोग अपने जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, उस पर ध्यान देंगे। घर में किसी भी तरह की कलह ना बढ़ने दें, खास करके अपने जीवन साथी के साथ। उपाय क्या करें जिससे कि ये समय आपके लिए अच्छा बीत जाए, परेशानी ना हो। सबसे पहला उपाय नोट कर लीजिए कि प्रतिदिन सूर्य देव के मंत्र का एक माला जाप कर लीजिए, ओम घृण सूर्याय नमः, ओम घृण सूर्याय नमः। इस मंत्र का एक माला जाप कर लीजिएगा और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, इतना नियमित रूप से करिए, कोई परेशानी नहीं होगी। बारी आ गई वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों के लिए सलाह ये है कि शनि के अस्त होने की वजह से वृष राशि वाले मन में थोड़ा सा घबराहट महसूस करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, लेकिन आप किसी भी तरह से कोई यदि बड़ा फैसला लेने का मन बना रहे हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर के बड़ा फैसला करिए। कोई भी बड़ा फैसला यदि करना चाहते हैं,
बस घबराइएगा नहीं, धैर्य बना करके रखिए। यानी ये समय बेचैन होने का नहीं है। और यदि आपके मन में चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है आएगा, तो उसको शांत रखने का प्रयास करिए। सारी परेशानी जो वृष राशि वालों को होने वाली है वो मानसिक है। तो मानसिक शांति के लिए उपाय क्या करना है आपको, कि प्रतिदिन शिव जी को जल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का एक माला जाप करना है। इतना करिएगा, कोई परेशानी नहीं होगी शनि के इस अस्त होने की वजह से। बारी आ गई मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के लिए सलाह ये है कि अपनी वाणी पर इस समय विशेष रूप से नियंत्रण रखिएगा। 7 जनवरी 2021 से लेकर के और 10 फरवरी 2021 के बीच का ये जो समय है, इस पीरियड में वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखने का है। शनिदेव आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, अच्छे रिजल्ट ही देंगे। बस आप वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और रेगुलर काम करते रहिए। काम पूरी ईमानदारी से करिए, कोई दिक्कत नहीं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बढ़े, इसके लिए ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। आपके घर परिवार में जो आपके भाई हैं, परिवार हैं, सब लोगों के साथ अच्छे संबंध रहें, इसके लिए क्या करना है आपको, कि हर शनिवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को हरे फल दान करिए। बारी आ गई कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के लिए सलाह ये है कि शनि का ये अस्त होना आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। बस अपने कार्यों में किसी भी तरह की धीमापन ना आने दें, यानी कार्यों में गति बनाए रखिएगा। कार्यों में स्पीड बनाए रखने के लिए, ऊर्जा बनाए रखने के लिए आप पूरी मेहनत से लगे रहिएगा। और हाँ, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कह रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लोगों पर शक करने की ज़रूरत नहीं। शनि देव आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे। बस धन संबंधी मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, खास करके खर्चों को लेकर के, बहुत ज़्यादा खर्चे इस समय बढ़ने ना दें। बारी आ गई सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के लिए सलाह ये है कि ये समय अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाने का है, कॉन्फिडेंस को और बढ़ाने का है, और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने का है। यदि कहीं यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय है, यात्रा से आपको लाभ होगा। और आपके परिश्रम के रिजल्ट देर से मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे जरूर। उपाय क्या करें, सिंह राशि वालों के लिए सलाह ये है कि प्रतिदिन सूर्य देव को जल सुबह जल्दी जल अर्पित करिएगा। यानी सुबह उठ करके स्नान कर लीजिए और जल अर्पित कर दीजिए, बहुत देर मत करिएगा। यानी सुबह 10 बजे के पहले पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना है। और रविवार के दिन कम से कम 5 गरीबों को भरपेट भोजन कराइएगा। जो भोजन आप करते हैं वही भोजन पैकेट बना के गरीबों को बांट दीजिए। बारी आ गई कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों के लिए सलाह ये है कि शनिदेव कन्या राशि वालों को लाभ कराएंगे इस पीरियड में, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यानी आप जो कार्य करेंगे उनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, खास करके ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आप की ग्रोथ हो सकती है, आपकी जो इनकम है वो बढ़ सकती है। बस आप अपने व्यापारिक कार्यों को थोड़ा सा और अधिक समय दें। कन्या राशि वाले ऐसे लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, उनको भी उनकी मेहनत के अच्छे रिजल्ट इस दौरान मिलेंगे। उपाय क्या करना है जिससे कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो, कन्या राशि वाले प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद अवश्य चढ़ाएं। बारी आ गई अब तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सलाह ये है कि तुला राशि वाले घबराए नहीं कि शनि का नेगेटिव इफेक्ट उन्हें परेशान करेगा, शनि की वजह से उनके जीवन में कष्ट होगा, बिल्कुल मत परेशान हो। आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से अपना कार्य करते रहिए। शनि न्याय के देवता हैं, आपको परेशान नहीं करेंगे।
खास करके ये जो टाइम पीरियड है जनवरी और 10 फरवरी तक का, इस पीरियड में शनि देव आपके साथ न्याय करेंगे, आपके कार्यों के अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। जो कार्य अभी तक नहीं हो पा रहे थे वो कार्य भी होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले होंगे, यानी जाते जाते खास करके 5 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी के बीच का समय है, जब शनिदेव का अस्त का समय समाप्त होगा 10 फरवरी को, उस समय अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो डट करके मेहनत करना होगा। तुला राशि वालों के लिए एक सलाह ये है कि अपने कार्य और व्यवहार को अच्छा रखिएगा, ईमानदारी से काम करिएगा, झूठ बोलने से बचिएगा, क्योंकि शनिदेव झूठ पसंद नहीं करते, शनिदेव फरेब पसंद नहीं करते। जो लोग ईमानदारी से और सही रास्ते पे चलते हैं उनको अच्छे रिजल्ट देते हैं। बारी आ गई वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों को शनि देव से शुभ फल मिलने वाला है इस पीरियड में, आपके कार्य बनने वाले हैं, पूरे मन से अपने काम में लगे रहिए। खास करके वृश्चिक राशि वाले ऐसे लोग जो सिक्योरिटी एजेंसीज से जुड़े हुए हैं, पुलिस, एयरफोर्स, आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनको तरक्की के मौके मिलेंगे, उनके काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों को सलाह ये है कि अपनी ऊर्जा का, अपनी एनर्जी का, अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करें, यानी सकारात्मक सोच के साथ काम करें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और क्रोध से बचें। उपाय क्या करना है वृश्चिक राशि वालों को, हर मंगलवार के दिन कम से कम 5 हरे फल का दान गरीबों को करना है। पारी आ गई धनु राशि वालों। देखिए धनु राशि वाले बिल्कुल ये ना घबराएं कि आपकी शनि की 7.5 चल रही है तो आपको शनि देव खराब रिजल्ट देंगे। आपके लिए सलाह ये कि आलस्य से बचिएगा, सही रास्ते पर चलिएगा और मेहनत पर बिल्कुल पीछे नहीं रहिएगा। शनि देव इस पीरियड में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। काम में थोड़ा बहुत रुकावटें आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं चलेगा। उपाय क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो, परिवार में खुशहाली बढ़े, बृहस्पतिवार के दिन 2 दर्जन केले नियमित रूप से बांटिएगा, आपके लिए बहुत शुभ रहे, और हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए। इतना कर लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। मकर राशि वालों की बात करते हैं, शनिदेव आपकी राशि में बैठे हुए हैं तो शनिदेव की ये जो अस्त का समय है इसमें मकर राशि वालों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने कि आपके काम बंद हो जाएंगे, काम में रुकावटें आएंगी, धन नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शनि देव की ये जो अस्त का समय है आपके कार्यों को थोड़ा सा स्लो जरूर करेगा, लेकिन काम बंद नहीं होंगे। आप पूरी एनर्जी से काम करेंगे तो भले स्लो रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा और आपके मन मुताबिक मिलेगा। बस ईमानदारी से काम करिएगा और झूठ बोलने से बचिएगा, सच का रास्ता अपनाइए, मकर राशि वाले अच्छे रिजल्ट पाएंगे इस पीरियड। उपाय क्या करना है, हर शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाइएगा, हनुमान जी को प्रणाम करिएगा, वहाँ एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा और कम से कम 8 गरीबों को खाने पीने की कोई भी चीज़ दान कर दीजिए। आप फल दान कर सकते हैं, आप ब्रेड दान कर सकते हैं, आप बिस्किट दान कर सकते हैं, जो आपका मन करे दान करें। बारी आ गई कुंभ राशि वाले। कुंभ राशि वाले ये ना घबराएं कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 है। धनु मकर कुंभ वालों को विशेष रूप से सावधान कर रहे हैं, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं, बिल्कुल मत घबराइएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सलाह ये है कि ये जो पीरियड है इस पीरियड में भावनाओं में बह करके कोई डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी फैसला यदि करना चाहते हैं तो अपने घर परिवार वाले लोगों से सलाह लेकर के करिएगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, इस समय कोई धन निवेश ना करें, और यदि लंबी दूरी की यात्रा का मन बना रहे हैं तो इस पीरियड में टाल दें। बाकी सब कुछ ठीक होने वाला है, परिवार में खुशहाली बढ़ेगी, सुख शांति रहेगी। उपाय क्या करें कुंभ राशि वाले, हर शनिवार के दिन नियम बना लीजिए, हर शनिवार के दिन 10 फरवरी तक नियमित रूप से कम 11 गरीबों को खिचड़ी या छोले चावल या कढ़ी चावल या राजमा चावल, ऐसी सामग्री जिसमें चावल का प्रयोग हो आपको खिलाना है।
आप देखेंगे आपका जो धन कहीं रुका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, पैसे की जो समस्या है वो समाप्त होगी। क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा और क्वालिटी अच्छी रखिएगा। बारी आ गई अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वालों के लिए ये शनिदेव के जो अस्त का समय है 10 फरवरी तक, 7 जनवरी 2021 से 10 फरवरी 2021 तक का ये समय मीन राशि वालों के लिए सलाह ये दे रहा है कि आप अपने धैर्य को बना के रखिएगा, अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करके रखिए। आपसे जो उम्र में बड़े लोग हैं उनसे किसी भी तरह के मतभेद बढ़ सकते हैं, इसलिए सलाह ये है कि मन में धैर्य रखिएगा, कोई भी बात बोलने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा फिर बोलिएगा। और हाँ, परिवार में कोई भी काम करने से पीछे मत हटिएगा, समय पर काम पूरे करने की कोशिश करिएगा, आलस्य को अपने से दूर रखने का प्रयास करिएगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उपाय क्या करना है, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है और एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, इतना कर लीजिए आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे तो फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक, बोलिए जय श्री कृष्ण।